राग केदार। राग केदार की उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुई है। इस राग में दोनों मध्यमों यानी शुद्ध म और तीव्र म का प्रयोग होता है। शेष सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में ऋषभ और गंधार यानी रे और ग ये दोनों स्वर वर्जित हैं और अवरोह में गंधार यानी ग का अल्प वक्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसके आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग केदार की आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। अब प्रस्तुत है राग केदार की स्वर मालिका जो 3 ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा मा पा धा मा पा मा सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा मा पा धा मा पा मा मा पा सा धा पा मा धा पा मा रे सा मा पा सा धा पा मा धा पा मा रे सा सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा मा पा धा मा पा मा सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। पा पा सा सा रे सा धा सा रे सा नी धा पा 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 सा सा रे सा धा सा रे सा नी धा पा मा पा सा रे सा धा पा मा धा पा मा रे सा मा पा सा रे सा धा पा मा धा पा मा रे सा सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा मा पा धा मा पा मा सा रे सा पा पा मा पा धा धा पा। अभी आपने सुनी
राग केदार की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, फूलों से नित हंसना सीखो। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। अभी आपने सुनी राग केदार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।